नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं देसी स्टाइल में छोले। उसके लिए हमने दो प्याज, दो टमाटर, दो लाल मिर्च, तेजपत्ता, लहसुन की कलियां, बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़ी सी लहसुन की कलियां ली हैं। थोड़ा सा हींग ऐड करेंगे। प्याज और टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है और उसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह टमाटर को भी पीस लेंगे हम। हमारी टमाटर और प्याज की प्योरी बनके तैयार हो गई है। हम कुकर में तेल अच्छे से गरम करेंगे, थोड़ा सा जीरा लेंगे, तेज पत्ता और जो हमारे खड़े मसाले होते हैं वो हम ऐड कर देंगे। मसाले भुन गए हैं हमारे, अब इसमें प्याज भून लेंगे और इसमें हम थोड़ी सी हींग ऐड करते हैं। प्याज भुन गई है, इसमें हम थोड़ा सा टमाटर की प्यूरी ऐड कर लेंगे और मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें हम नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, डेगे मिर्च सभी मसाले डालकर अच्छे से भून लेंगे। और इधर हम चाय की पत्ती का पानी तैयार करते हैं। हमारी चाय की पत्ती का पानी तैयार हो गया है, अब हम इसको छान के रख लेंगे। और हमारा ये देखो मसाला बनके तैयार हो गया है। अब तो मैंने एक कटोरी छोले लिए थे जो मैंने रात भर भिगो के रखे और हमारे छोले अच्छे से फूल चुके हैं, आप देख सकते हो। अब मैं इन छोलों को अच्छे से वॉश करके कुकर में ऐड कर लूंगी और जो चाय की पत्ती का पानी का तैयार किया था वो भी हम इसमें मिला लेंगे। मैंने इसमें टोटल 2.5 गिलास के आसपास पानी मिलाया है। इसको अच्छे से चला के हम ढक्कन लगा के कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 7-8 सीटी लगा लेंगे। हमारी इसमें 8 सीटी लग चुकी हैं। गैस को हमने बंद कर दिया है, अब खोल के देखते हैं। देखो हमारे छोले अच्छे से पक गए हैं और ये गल भी गए हैं। अब इनको एक बाउल में हम सर्व कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको प्याज से और मिर्च से इसको सजाते हैं। हमारे गर्मा गर्म छोले तैयार हैं।